फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज पर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके लिए हमने 700 ग्राम गाजर को छील कर और इनको हमने ऊपर के पीस और नीचे का टॉप एंड डाउन निकाल दिया है। अब गाजर को आज हम कद्दूकस नहीं करेंगे, बस इसको बड़े बड़े पीसेस में इस तरह से कट करके रेडी करेंगे। हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार मेरे तरीके से हलवा बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में ये बनकर रेडी हो जाता है। आज हम जो हलवा बनाने वाले हैं वो कुकर में बनाएंगे। बड़े बड़े पीस इस तरह से कर लेंगे तो हमारा टाइम भी बचता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से हमें गाजर को कट कर लेना है। सर्दियों के सीजन में गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है और गाजर हेल्दी भी होती है, तो खाने में भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उससे हेल्थ ही हमारी बनती है। इस तरह से गाजर को कट करते जाएंगे। आप लोग भी अपने घर में कईयों बार हलवा बना चुके होंगे, आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लीजिए, हमारी बातों बातों में ही सारी गाजर कटकर रेडी हो गई हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। लीजिए, चलिए अब गैस पर चढ़ाते हैं एक कुकर। हलवा बनाने के लिए गैस पर हमने एक कुकर चढ़ा दिया है। गैस को हम लोग मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लेंगे। अब हम लोगों ने जो गाजर ली है वो हम लोग इसमें डाल देंगे। रेड वाली गाजर चूज की है जिससे हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसके साथ ही हम लोगों ने एक कप मिल्क लिया है, गरम मिल्क है, लगभग पेट में 200 ml है। इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। अभी हम लोग बस मिल्क डालकर ही हलवे को बनाएंगे। उसके बाद जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, पक जाएंगी, तब हम लोग फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अब हम लोग गैस का कुकर का बंद करेंगे ढक्कन और इसको स्लो टू मीडियम पर करके 2 से 3 इसकी सीटी बजा देंगे। लीजिए, कुकर का हमने कर दिया है ढक्कन बंद और अब इसकी लगाएंगे हम लोग सीटी और स्लो टू मीडियम पर करके इसकी 2 से 3 सीटी बजा लेते हैं। लीजिए, कुकर की हमने 2 सीटी बजा ली है और अब हम इसकी गैस निकाल देंगे सीटी ऊपर करके और फिर अब इसको हम लोग खोल कर चेक करेंगे कि ये पकी या नहीं अच्छे से। तो सीटी हमने निकाल दी है और चलिए कुकर को हम खोल लेते हैं और देखिए, स्लो फ्लेम पर कर हमने गाजरों को पकाया है और देखिए बिल्कुल मिक्स हो गई हैं अच्छे से। और जो हमने आधा 1 कप दूध डाला था, लगभग 200 ml, वो भी इनके पकने में यूज़ हो गया है। देखिए, अब इसको हम डालेंगे कढ़ाई में और कढ़ाई में डालकर फिर हम इसका हलवा रेडी करेंगे। हलवा रेडी करने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई का मोटे तल का होना ज़रूरी है। अब हम लोग डालेंगे इसमें कुकर का सारा हलवा। देखिए, बिना कद्दूकस किए हमारा ये हलवा बनकर रेडी हो रहा है। गैस को अभी हम हाई फ्लेम पर कर देंगे ताकि अच्छे से कढ़ाई गर्म हो जाए। और अब हम लोग डालेंगे इसमें घी। घी डालेंगे, चीनी डालेंगे ताकि ये अच्छे से अब ये भुन जाए। तो हमने छोटी एक चम्मच ली है सब्जी बनाने वाली, उसको हमने जमे हुए में ही इसको भर लिया है चम्मच को। ऐसे ही करके हम लोग 2 बार इसमें भर के चम्मच घी डालेंगे। एक चम्मच और डाल देंगे।
घी की क्वांटिटी इस पर डिपेंड करेगी कि आप यदि ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। हमने जो घी डाला है उसको हम लोग मिक्स कर देंगे। घी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है ऊपर नीचे और गैस को हम लोग मीडियम फ्लेम पर ऑन कर देंगे। पहले हमने गैस को हाई फ्लेम पर किया था लेकिन अब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है और घी भी अच्छे से देखिए मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे लगभग एक कटोरी चीनी जो कि क्वांटिटी में 150 ग्राम है। हलवा अच्छे से मीठा हो जाए इसके लिए हमने थोड़ी चीनी ज़्यादा ही डाली है। अब हम लोग अच्छे से चीनी को भी मिक्स करेंगे और अब इसको हम लोग पकाएंगे। अब कढ़ाई में डाल दी है तो ये भाप पूरी उड़ेगी और ये बढ़िया सा टेस्टी सॉफ्ट हलवा हमारा बिल्कुल हलवाई जैसा बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर रेडी होगा। जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम 10 से 12 हरी इलायची को खलबट्टी में कूट कर रेडी कर लेंगे। इसके साथ ही थोड़े से हम लोग काजू ले लेंगे जिनको हम लोग इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम लोग लेंगे लगभग 100 ग्राम खोया मावा जो कि हम मार्केट का लेंगे, आप चाहें तो घर का बना ले सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा रुक कर चलाते हुए इसको हम लोगों को भी 15 से 20 मिनट सेकना है। उसके बाद फिर हम लोग अब बाकी चीज़ें डालेंगे क्योंकि हमने भी चीनी ऐड की है तो चीनी भी पानी छोड़ेगी। इसको पकने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो इसी तरह चलाते हुए हम लोग पकाएंगे इसको। जी हलवा को पकाते पकाते हम लोगों को 15 से 20 मिनट हो गए हैं और देखिए अब ये अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। पानी इसका जो एक्स्ट्रा था वो सारा उड़ गया है। अब हम लोग डालेंगे इसमें हरी इलायची का पाउडर जो कि हमने कद्दूकस जो हमने खलबट्टे से कूट कर रखी है इनको मिक्स कर देंगे। और अब हम लोग हलवे को एक थाली में सर्व करेंगे। उसके बाद ऊपर से डालेंगे हम लोग काजू जो हमने कट करके रखे हैं। उतारने से पहले हम लोग इसमें जो हमने 100 ग्राम खोया लिया है मार्केट का वो हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। इससे इस हलवे का टेस्ट और भी अधिक अच्छा हो जाएगा। गैस को भी हमने बंद नहीं किया है, गैस अभी हमारी ऑन है। आप बिना मावा के भी हलवा खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है यदि आपके पास मावा अवेलेबल ना हो। बस 2 से 3 मिनट इसको मिलाने के बाद और पका लेंगे ताकि अच्छे से मावे का टेस्ट हलवे में आ जाए। लीजिए हमने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया है। ऊपर से हम इसको काजू की कटिंग से गार्निश कर देंगे और लीजिए हमारा हलवा एकदम बढ़िया सा टेस्टी सा बनकर रेडी हो गया है जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ में बहुत ही झटपट से बना है। यदि आपको आज के गाजर के हलवे की फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरे आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। Thank you.